उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर अपराधियों की हरकत सुर्खियों में आई। 8 मई 2020 शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शहर कोतवाली के बीच भूमाफियाओं के दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग होने से दहशत मच गई। इस घटना में राम पांडे की गोली लगने से मौत हो गई तथा 7 लोग घायल हो गए। फायरिंग की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से सभी को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने लापरवाही के आरोप में सिविल लाइन चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर यादव को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र के बराछा निवासी राम पांडे प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। सर्वेश तिवारी और आनंद तिवारी भी काम में हिस्सेदार थे। इन लोगों ने कोतवाली क्षेत्र के दहिला मऊ चांदमारी के पास मारूत नगर में जमीन की खरीद फरोख्त शुरू की थी। शुक्रवार की दोपहर ये सभी हिस्सेदार मारूत नगर में थे, तभी इनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों ने पिस्टल निकाल कर एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें राम पांडे को गोली लग गई। वहीं प्रयागराज से SRN अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रास्ते में राम पांडे की मौत हो गई। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या मामला है पूरा, क्योंकि 7 के ही लोग थे और कितने लोग घायल हैं इसमें, क्या स्थिति? ये आज दिनांक 8 तारीख को दो पक्ष हैं, एक अंजनी शुक्ला आनंद तिवारी साहब तिवारी और राहुल तिवारी का पक्ष है, और दूसरा पक्ष है लक्ष्मण पांडे, राम प्रसाद पांडे और सुभाष सैनी और शुभेंद्र तिवारी दूसरे पक्ष में है। इन दोनों के बीच में जो है प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद था, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी का एक काम साथ साथ देखते थे। तो ये पांडे राम लक्ष्मण पांडे ये सब उनका शायद सब ब्रोकर थे, तो लेन देन को लेकर के इनका विवाद हुआ है, तो उसी में फायर किए हैं। तो एक राम पांडे को थोड़ा चोट ज़्यादा है और बाकी को जो है कम चोटें हैं, तो इनको यहाँ से रेफर करा दिया गया है सोलग्रामी अस्पताल, और इसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे, और कोई कानून व्यवस्था जैसी स्थिति नहीं है। हमारे नियंत्रण में हमारा फोर्स मौजूद है और मसलों की बरामदी और जो वाहन उपयोगी हैं उसको हम बरामद कर रहे हैं, और अभियुक्त जो और कोई अन्य होगा इन दो पक्षों में लड़ाई हुई है चार के अलावा, तो उनको भी हम गिरफ्तार। गोलीबारी में सर कितने टोटल लोग घायल हुए? 4 इस तरफ से और 4 दूसरे तरफ से, उसमें राम पांडे को पेट में लगा हुआ है और बाकी को इधर उधर चोटें हैं, तो फिर वो प्रयागराज भेजे गए हैं, ऐसा होगा मैं आपसे शेयर करेंगे।